सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर लकी ने ली जिम्मेदारी, कनाडा में मौजूद है लकी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस ने तेज की कार्रवाई, हत्या में शामिल दो गाड़ियां बरामद की। हमलावरों ने हत्या के बाद टोयोटा कोरोला और बोलेरो रास्ते में छोड़ा, एक ऑल्टो गन पॉइंट पर लूट कर फरार हुए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल दोनों कार पर दिल्ली के नंबर, पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। मूसेवाला की हत्या से पहले की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, मूसेवाला की गाड़ी के आगे दो कार दिखी जबकि पीछे एक कार नजर आई। मूसेवाला के हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी डाल रही है दबिश। सिद्धू मूसेवाला पर मानसा के जवाहर के गांव में हुआ था हमला, शाम को 5:30 बजे तीन तरफ से दागी गई गोलियां। थार गाड़ी में मौजूद सिद्धू मूसेवाला पर कम से कम 30 गोलियां दागी गई, तीन तरफ से हमला हुआ था। सिद्धू मूसेवाला पर हमले के दौरान दो साथी जख्मी हुए हैं, लुधियाना की डीएमसी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हमले में घायल एक शख्स का नाम गुरविंदर सिंह और दूसरे का नाम गुरप्रीत सिंह है, दोनों की बाजुओं में गोली लगी है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके घर पर बढ़ाई गई है सुरक्षा, घर के बाहर पुलिस बल तैनात। मूसेवाला की हत्या पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कृपया शांति बनाए रखें। मूसेवाला की मां ने मनसा में थाने के बाहर किया प्रोटेस्ट, बेटे के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग। राहुल और प्रियंका गांधी ने मूसेवाला की हत्या पर संवेदना जताई, प्रियंका ने कहा कि प्रतिभाशाली गायक की हत्या से पीड़ित हैं। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने भगवंत मान सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा कि सिक्योरिटी घटाना सिद्धू की हत्या की वजह बनी। पंजाब सरकार पर बरसे बीजेपी नेता संबित पात्रा, कहा कि मूसेवाला की सुरक्षा कम करना हत्यारों को निमंत्रण देना था। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएम केजरीवाल और भगवंत मान पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की, कहा कि गलत राजनीति की वजह से मूसेवाला की जान गई। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ले हत्या की जिम्मेदारी, मूसेवाला की सिक्योरिटी कम होने की बात सार्वजनिक नहीं होनी होती तो हत्या नहीं होती। बीजेपी नेता अमित मालवीय की मांग, अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा को मूसेवाला की हत्या को दोषी ठहराया जाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में अब कोई भी सेफ नहीं है, क्रिमिनल्स में कानून का डर नहीं है। मूसेवाला की हत्या पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, किसी की सुरक्षा को पर्सनल लाइक और डिसलाइक की वजह से नहीं हटाना चाहिए। पंजाब के पूर्व गृह मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा की मांग, सबसे पहले डीजीपी को गिरफ्तार करना चाहिए, पंजाब के सीएम कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का आरोप, मान सरकार के आने के बाद से राज्य में कानून व्यवस्था खराब हुई है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा कि मूसेवाला को मिले थे दो स्पेशल कमांडो। सौरभ भारद्वाज ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में किसी साथी का हाथ होने की आशंका जताई है, कहा कि उन्हें ही पता था कि वो बिना सुरक्षा के जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का आखिरी गाना सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, गाने के बोल हैं जवानी में उठेगा जनाजा, ज्ञानवापी मस्जिद का सच आ जाएगा सामने, वाराणसी की अदालत सर्वे के वीडियो और फोटो हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई है। मुस्लिम पक्ष ने की है वीडियो और फोटो सार्वजनिक नहीं करे जाने की मांग, देश भर में माहौल खराब होने का तर्क दिया है। ज्ञानवापी के केस की मेरिट पर भी आज होगी सुनवाई, जिला अदालत 2 बजे मेंटेनेबिलिटी पर दोनों पक्षों की सुनेगी। मुस्लिम पक्ष ने 26 मई को वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए केस को सुनवाई के लायक नहीं बताया था, शिवलिंग मिलने के दावे से इनकार किया था। जिला अदालत में आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलील करेगा पूरी, फिर हिंदू पक्ष की दलील सुनेगी अदालत, जिसके बाद मेरिट पर आएगा फैसला। हिंदू पक्ष का नया दावा, ज्ञानवापी मस्जिद ईशान कोण पर मौजूद है, ईशान कोण पर बनते हैं मंदिर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सनातन संघ नई याचिका पर भी 2 बजे सुनवाई, ज्ञानवापी कैंपस में मुस्लिम पक्ष की एंट्री बैन करने की मांग की गई है। सनातन संघ की मांग, ज्ञानवापी का पूरा कैंपस हिंदू को सौंपा जाए, वजू खाने से शिवलिंग को निकालकर पूजा करने की इजाजत मिले। देवबंद में जमियत उलेमाए के अधिवेशन में ज्ञानवापी और मथुरा मस्जिद पर प्रस्ताव पास, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी विरोध। समान नागरिक संहिता को जमियत ने मूल अधिकारों पर चोट बताया, कहा कि इस्लामी शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के समान नागरिक संहिता पर जमियत उलेमाए हिंद के प्रस्ताव पर जताई सहमति, कहा कि कौम से लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं ये अच्छा है। एनसीपी नेता माजिद मेनन ने कहा कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें बेवजह सजा दी जा रही है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने ज्ञानवापी जैसे तमाम विवादों को बताया गैर जरूरी, कहा कि मॉडर्न इंडिया में इसकी जरूरत नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में ज्ञानवापी पर बोले, कहा कि जैसे बाबरी मस्जिद हमसे छीना गया है वैसे ज्ञानवापी भी छीन लिया जाएगा। मंगरोल में ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा, मुस्लिमों से सियासी ताकत बनने के लिए मजलिस का साथ देने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, कहा कि कश्मीर में रोज मौत हो रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शांति लाने के लिए फौज भर दी जाए, शांति नहीं आएगी, जब तक लोगों से नहीं बात किया जाएगा दिल नहीं जीता जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बिना नाम लिए पाकिस्तान का जिक्र, कहा कि जब तक हमारे पड़ोसी से बात नहीं होगी कश्मीर में शांति नहीं होगी। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया है, चिदंबरम, जयराम रमेश, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला का नाम आगे बढ़ाया गया है।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सादा राज्यसभा के लिए कांग्रेस की लिस्ट पर निशाना कहा कि कांग्रेस को राजस्थान से एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए एक और सूची जारी की है, दो उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया गया है। बिहार से जेडीयू ने खीरू महतो को बनाया है अपना उम्मीदवार, खीरू झारखंड जेडीयू के चीफ हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेडी ने चार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, सत्यव्रत पात्रा को दूसरी बार मौका मिला है। कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी के वंशज दशाऊजी महाराज से मिले शिवसेना सांसद संजय राउत, राज्यसभा चुनाव के लिए मांगा आशीर्वाद। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम कांग्रेस में बनी सहमति, एक सीट के लिए दोनों दल उतारेंगे साझा उम्मीदवार। बिहार सरकार ने 1 जून को जातीय जनगणना को लेकर बुलाई बैठक, सभी दलों को बैठक में शामिल होने को कहा गया है। आरजेडी चीफ लालू यादव ने 31 मई को विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है, सभी विधायकों और बड़े नेताओं को बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने वापस ली आधार कार्ड फोटोकॉपी से जुड़ी नई एडवाइजरी, 27 मई को जारी प्रेस रिलीज से गलत अर्थ निकाले जाने की संभावना को देखते हुए वापस लिया गया है। पीएम मोदी आज 10:30 बजे कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को देंगे सौगात, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत बच्चों को स्कॉलरशिप ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी 31 मई को करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त की रिलीज, 21,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ की किसानों को खाते में दिया जाएगा। मोदी सरकार की 8वीं वर्षगांठ पर सोमवार को बुकलेट जारी करेगी बीजेपी, शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जेपी नड्डा करेंगे। उज्जैन में 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ सीएम शिवराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान, बोले भारत गांव का देश है और गांव में पारंपरिक चिकित्सा की व्यवस्था आज भी आयुर्वेदिक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले अगर समाज खड़ा हो जाए तो चमत्कार किया जा सकता है, अकेले सरकार नहीं कर सकती। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं, हम धर्म को अपनी राजनीति का आधार नहीं मानते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा, केवल धर्म परिवर्तन और सांप्रदायिकता की बात करते हैं। केरल सरकार पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने आतंकवादियों से साठगांठ का आरोप लगाया, पीएफआई के सांप्रदायिक नारे लगाने पर आपत्ति जताई। बीजेपी सांसद के जे अल्फांसो ने भी केरल सरकार से जताई नाराजगी, कट्टरपंथ हावी होने का आरोप लगाया। जम्मू से ट्रेन से सिलचर पहुंचे 36 रोहिंग्या गिरफ्तार, सभी म्यांमार के रहने वाले हैं। कानपुर देहात के मूसा नगर इलाके में कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, 2 यात्रियों की मौत, 12 घायल। हैदराबाद के घटकेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान अज्ञात लोगों ने तेलंगाना के मंत्री मल्ला रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए, वाहन पर कुर्सियां और पानी की बोतलें भी फेंकी। कार्यक्रम में सभी पार्टियों के नेता ले रहे थे हिस्सा, मंत्री को बोलने तक नहीं दिया गया। टीआरएस ने विपक्षी दलों पर हमला करने का आरोप लगाया। राजस्थान के बारा में मौत के बाद जमकर हंगामा, सड़क पर शव रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। विधायक निर्मला सहरिया की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई, पुलिस हिरासत से छूटने के बाद युवक की मौत पर मचा बवाल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी पर उठाया सवाल, कहा कि करीब 25 दिन बाद भी ईडी की वेबसाइट पर झारखंड में छापेमारी की कोई जानकारी नहीं है। ओडिशा के पुरी में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 7 बदमाश गिरफ्तार, 4 अवैध हथियार भी जब्त। बिहार के बोधगया में फ्रांस के राजदूत ने गरीब और अनाथ बच्चों के स्कूल का दौरा किया, एक फ्रेंच महिला चला रही है स्कूल। कर्नाटक के मैंगलुरु में कटहल महल में आयोजन, कटहल से बने पापड़ अचार सहित अनेक उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई। मानसून का केरल में दस्तक, 5 दिनों तक भारी बारिश का आशय, मछुआरों को 30 मई तक समुद्र में ना जाने की सलाह। हरियाणा के कई इलाकों में चली धूल भरी आंधी, सोनीपत में बदला मौसम का मिजाज, गाजियाबाद में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आंधी के साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। मेरठ में भी चली तेज आंधी, लोगों को गर्मी से राहत मिली। सॉल्ट फुल्ट होने की वजह से रोकी गई 4 धाम यात्रा की बुकिंग, रजिस्ट्रेशन शुरू होने पर श्रद्धालुओं को फिर जानकारी दी जाएगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में नए सिरे से मकान बनाने की तैयारियां की जा रही है, पलायन किए लोग कर रहे हैं वापसी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खार्कीव में रूसी हमले की तबाही का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ नए मकान बनाने की योजना पर चर्चा की। जेलेंस्की ने खार्कीव में सैनिकों को किया सम्मानित, अपनी जान पर खेलकर देश को बचाने के लिए शुक्रिया किया। पूर्वी यूक्रेन के प्रोवोस्क शहर में घायलों और बीमारों को निकाला जा रहा है, एक मेडिकल ट्रेन लोगों को निकालने में जुटी है। यूक्रेन की राजधानी कीव की 1540वीं वर्षगांठ, लोगों ने गाजेबाजे के साथ जश्न मनाया। ब्राजील के परमानाबुको में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर, 29 लोगों की मौत। दक्षिण चीन के फुजियान प्रांत में लैंडस्लाइड से 2 इमारतें गिरी, अभी तक 15 लोगों की मौत। उत्तरी और पूर्वी चीन में 35 डिग्री से ज्यादा गर्मी का कहर, राजधानी बीजिंग में येलो अलर्ट जारी। श्रीलंका के पीएम रनिल विक्रमसिंघे ने भरोसा दिया, आर्थिक मंदी से पैदा हुए राजनीतिक संकट को जल्दी सरकार सुलझाएगी। इसराइल के यरूशलम में पुलिस ने कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया, इजरायली प्रदर्शन दौरान हंगामा कर रहे थे। यरूशलम में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों की इजरायली पुलिस से भिड़ंत,
इजरायली पुलिस ने दागे रबर बुलेट और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गुजरात टाइटंस बनी आईपीएल 2022 की चैंपियन, फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बना 130 रन। गुजरात ने 18.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। हार्दिक पांड्या बने फाइनल में गुजरात जीत के हीरो, गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन। पांड्या ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए, 34 रन बनाए। पांड्या को टीम की जीत में अहम योगदान देने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जोश बटलर ने जमाया ऑरेंज कैप पर कब्जा, इस सीजन में सबसे ज्यादा 863 रन बनाए। युजवेंद्र चहल ने जीती पर्पल कैप की रेस, आईपीएल के इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 27 विकेट लिए। उमरान मलिक ने जीता इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब, इस सीजन में कुल 22 विकेट लिए। गृह मंत्री अमित शाह पत्नी सोनल शाह के साथ आईपीएल फाइनल देखने पहुंचे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।